ये भी मेरा दूसरा आएगा तो उसको आप दिल्ली में रिपेयर करवा दीजिएगा। हाँ ये लो देखो, आप वहाँ लाइट वहाँ आप वहाँ जा पीछे पछड़ेंगे और अंदर की तरफ रखिए हमेशा लाइट ये हुआ निशान लगाए थे मिट गए हैं। निशान का मतलब यहाँ खंभा है तो भाव होना चाहिए और एक पच्चीस के ऊपर किया तो अंदर आ जाएगी। आप ही रहें और कुछ तो आपने देखा ये भाव भक्ति है दिल्ली से आए अभिलेख श्रीवास्तवा जी। भाव देखिए, मैंने कहा श्रीवास्तवा जी मैंने आज आपका मान रखा है, अब कभी लाइफ में ऐसा मत कीजिएगा कि आपका भाव था वो लूंगी ये कुर्ता पत्नी के लिए। ये हमारे जीवन की पहली घटना है तो ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी दिल्ली में बिजनेस मैन हैं, ये छोड़ के आए हैं वहाँ से। तो मैं ये कहता हूँ कि अब मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग अब मैसेज भेजेंगे, क्यों वो जो मेरा असिस्टेंट था सहयोगी था उसको फीवर आ गया और थोड़े फीवर रहा। हम कहा बेटा अब तुम आराम से, क्योंकि हम तुम अगर पड़ गए तब क्या होगा, हम तुम्हारी सेवा करें कि अस्पताल में हम गाय की सेवा करें कि हम बंदर की सेवा करें कि हम दिन भर फोन अटेंड करें। तो इसलिए हमारे चाहने वालों आप लोग नंबर दो कि एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप मोदी जी के ज़रा भी एंटी हैं आप चलो पीछे हो जाए ऐसे आइए आप आते रहिए हम बोलते रहिए। अगर आप मोदी जी के ज़रा आइए सब क्या आइए बनता है मोदी जी के आप ज़रा का भी एंटी हैं तो माफ़ कीजिएगा। आप दुनिया के कितने बड़े दौलतमंद हो हम आपका पैसा ठुकरा देंगे, हमको अपने लिए नहीं चाहिए। जो ठाकुर साहब कैमरा लेके बना रहे हैं ये ठाकुर लोग हैं, ये पूरी रायबली क्षत्रियों की है। आप इनसे पूछ लीजिए कि हमारी औकात क्या है, क्यों हम आपके मक्खन लगावें और आप पैसा कोई आप पैसा मत भेजो। अभी कोई दुबई से फ़ोन आया ऐसा है, कोई सर्विस जीते ओ ऐसा है पॉलिटिक्स में। मैं मोदी को मैं भगवान मानता हूँ और मानता रहूँगा, और जबकि मोदी जी से एक फूटी कौड़ी आज तक न लिया है न एक गिलास मैं उनका पानी जानता हूँ और न मैं लूँगा। ये हमारा मैं हिंदुस्तान का हूँ, मैं सनातन धर्मी हूँ। हमारे यहाँ गाय कटती थी अभी तक, या कहाँ मर गया था हिंदू हमारा। कितने शर्म की बात थी, कितने चुल्लू भरमानी में डूब मरने की बात थी कि जिस देश में गाय कटती हो आप हिंदुआना नाम रखते थे अपना। आप गाय कटवाने वाली सरकार को आप वोट देते थे। अभी मोदी जी पूरे देश में जब सशक्त हो जाएंगे ना, जो सम्मान उन्होंने भारत को दिलाया है वो देश के इतिहास में किसी ने नहीं दिलाया। लोग अपने निजी स्वार्थ की बात करते हैं ना, लोगों का नुकसान हो रहा है तो मोदी क्या बुराई करेंगे। और मैं खुद कहता हूँ आप रायबली जाके पता लगाओ मेरा और मेरे दामाद का, मेरा जो छोटा दामाद है उसका और बड़े दामाद का कुछ नहीं करोड़ों का। भाई उनको प्रॉपर्टी थी उनको बेचना है वो आधे दाम पर, करोड़ों का नुकसान हमारा हुआ लेकिन हमको वो नुकसान मंजूर है। हमको देश देखना है, मेरा देश मजबूत रहेगा तो हम चैन से सो पाएंगे, हमारी बहू बेटियों की इज्जत बची रहेगी। और अगर मेरा देश खोखला हो गया
जो अभी तक मुंह से मेरे आग निकलता है। 70 सालों में देश की हालत, सौतों की हालत, अभिलेख श्रीवास्तव जी दिल्ली से आए हैं। इन्होंने कहा कि बाबा ये अरे हम कहा हुजूर ये मुख्य सड़क है रायबली की, डिग्री कॉलेज से देखिए बरगद चौराहे तक 500। मैंने कितने बार पेपर में दिया कि मैं अनशन करूँगा, तो मैं इसीलिए नहीं कर पाता हूँ। सुबह शाम बन कर देखो अस्पताल में गाय भर्ती है, वो भी आप देखते होंगे, आज पूरा विश्व से जोड़ गया है। इसलिए हम योगी और मोदी को मैंने भगवान माना है और सबको मानना चाहिए, अगर आप हिंदू हैं तो। अगर आप नॉट हिंदू हैं, आपके अंदर हिंदुत्व की भावना नहीं है, तो फिर जाओ मरो जा करके, जाओ बिरयानी खिलाओ। वो था ना वो कसबुआ है, कितने दिन आपने उसको बिरयानी खिलाई? अरे आपके बराबर चांडाल कौन होगा, आपके बराबर कमीना कौन होगा, कौन होगा? क्या किया है आप लोगों ने? हिंदू 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 हिंदू, एक हिंदुस्तान एक हिंदू प्रधानमंत्री बन जा तो लोगों के क्यों, बस निजी स्वार्थ। मैं यही चैलेंज करता हूँ, आप पता लगाओ रायबली कि करोड़ों का मेरा नुकसान है, लाखों में नहीं है। तो मैं बाबा बना हूँ, सब ठोकर मार के मैं बना हूँ, तब मैं आज वर्ल्ड को चैलेंज करता हूँ, चाहे दुनिया वालों एक आदमी हो, कोई किसी धर्म का मजहब का हो, वो हमें ह्यूमैनिटी सिखाओ, आगे हमें मानवता का पाठ पढ़ाओ, मैदान में आओ। अब तो इंटरनेट का ज़माना है, अब तो टीवी का ज़माना है, मोबाइल उसका है, इंटरनेट का, मैदान में आओ, सारे पोथी पत्रा लेके आने पड़ेंगे आपको, थोड़ा इधर आइए सब, बस ऐसे सारे पोथी पत्रा आपको लेके आने पड़ेंगे। 70 साल का मेरे पास PhD के नहीं PhD का रिकॉर्ड रखा है, किसने आप रिकॉर्ड देखोगे? सब मैदान छोड़ के भाग गए, हमसे जो जुड़े हैं वो करते हैं, लेकिन हमारी तरह कोई नहीं हमको दिखाई पड़ा। भुवन सिंह जो कैमरा लेके बना रहे हैं, ये हजारों नहीं 50,000 इस आदमी ने जानवर के ऊपर लगाया होगा, लेकिन अब लेकिन लग गया कि कभी हैं कभी नहीं हैं। पिंटू पांडे जो हैं वो बिल्कुल अंतर ध्यान हो गए, कभी हैं कभी नहीं हैं। हम बंदर भोज को मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, जो गाय प्यास के बिना तड़प रही हो, उठ ना पा रही हो, उसकी सेवा करो, और उसकी सेवा से बढ़ के अगर कोई मंत्र हो, दुआ हो, ताबीज हो, कुछ भी हो, हमें बताओ आके। हम ह्यूमनिटी की बात करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं, हम पक्षपात की बात नहीं करते हैं, क्योंकि मैं कमीना नहीं हूँ। जो कमीने हैं वो पक्षपात की बात करते हैं, ओ जानवर, अरे वो जानवर तुमसे अच्छा है, या बंदर अरे तुमसे लाख गुने अच्छा है। ओजोन परत में क्या इसने ओजोन परत में सुराख किया? क्या इसने जंगल काटे? क्या इसने मौसम को बदला? ये अक्टूबर है, एक कुर्ता मैं पहनू हूँ ना, अंदर से बड़ी गर्मी लग रही है। तो कितने इन्होंने किसी बंदरिया को विधवा बनाया, किसी बच्चे को अनाज किया, अब आप इंसान बनते हैं, है? आप इंसान हैं, अरे चूल्हे भर पानी में धो मरो जाके, शर्म करो, है? करोड़ों अरबों रुपए आप दवा खाते हैं, अस्पताल, ये जांच वो जांच, इनको कहानी डेंगू पाकिस्तानी और जापानी बुखार होता, इनको कहानी दिमागी बुखार होता, है? शर्म करो कि आप इंसान हो कि आप इंसान नहीं हैं। इसलिए मोदी जी को मैं भगवान मानता हूँ, देश का भगवान है। योगी और मोदी, योगी का आना यूपी में वो राम बन के आया हुआ है। हमारी भीषण समस्या है, हमारी संपत्ति सपा नेताओं के सस्ते किराएदार ने बेच करके वो हरियाणा भाग गया। एप्लीकेशन मैं केवल दूंगा जाके, बस मैं जाऊंगा नहीं कहने के लिए कि नहीं हुजूर हमारा हमारी आप हमारी मदद करें, एप्लीकेशन हम भेज देंगे आपके यहाँ, आप न्याय करो, आप करेंगे तो ठीक और नहीं करेंगे तो मैंने आपको भगवान माना है और मैं मानता रहूँगा। क्यों? मैं सनातन धर्मी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मेरा बाप हिंदू था तो हम हिंदू की बात करेंगे, मेरा बाप और कोई होता, माँ और कोई होती तो शायद फिर मैं मोदी के खिलाफ बोलता, लेकिन नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन धर्मी हूँ। और जिस मोदी ने बाबा अब अंधेरा होना है तो झलक वो ठीक से बन नहीं रही, वीडियो बन नहीं रही। अच्छा ठीक, मैं काफ़ी अंधेरा हो चुका है, मैं वाणी को विराम देता हूँ और इसी तरह हम बताते हैं अपने जज्बातों को, भैया हमारी कोई मदद मत करो, चाहे कुछ भी करें, आप अगर मोदी के एंटी हैं तो आप कृपया मुझे प्लीज़ पैसे न दें, कोई ज़रूरत नहीं, गाड़ी आ नहीं 6 महीने के बाद आएगी और नहीं आएगी। हाँ चलिए आप बन जाइए।
हाँ भैया एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ भैया वहाँ से खंभे पर नहीं नहीं भैया और थोड़ा हम बोल रहे थे ध्यान नहीं दिया। आइए वीडियो इधर ही बना लीजिए। हाँ यही लाइट है ना इधर। आप आराम से दीजिए आप दीजिए। देखिए दिल्ली से आए हुए हैं बेचारे और आराम से आप खंभे खंभे रख रहे हैं उनको सारे बंदर पहचान गए। आप इधर आइए इधर आपके चेहरे पर लाइट आएगी। हाँ तो हमारा मतलब है कि भाई हिंदू हो हिंदू बनो है मोदी के खिलाफ। अरे जवान तुम्हारी सड़ के गिर जानी चाहिए अगर मोदी के खिलाफ आप बोलते। कितना त्याग किया उस आदमी का वो ईमानदारी को उसने डंडा बजाया है। आज श्याम साधु अपने तपस्या के बल पर वर्ल्ड को चलने क्यों नहीं आते हो भाई। मोदी के खिलाफ बोलने वाले पहले तू श्याम साधु से मुकाबला कर चल आ मेरे सामने और देखा अपने पूरे रिकॉर्ड को। दो मिनट लगेगा मैं तुझे पटक दूंगा। क्यों तू इंसान नहीं है तेरे अंदर ह्यूमनिटी नहीं है क्या किया है तूने। अब 70 साल का एक रिकॉर्ड बना के आज वर्ल्ड को चैलेंज किया है। ऐ दुनिया वालों ह्यूमनिटी मानवता और इंसानियत की पराकाष्ठा क्या है बोल। उसकी आखिरी मंजिल क्या है सुअर की सेवा। अखबार वालों ने छापा था सुअर की सेवा सुपर सेवा। एक अवस्थी जी ने छाप दिया था कौन ओ डेली न्यूज और कटिंग मेरे पास रखी है। अरे आदमी को देखिए कोई ये दे रहा है एक कोई भारद्वाज रहे उनको उसको उसको भड़काने लगे। यही इसको जो आया था शर्मा अरे ओ बाबा को आपको तो रोटी बना के देनी थी तो उसने धट पटका उनको कहें बाबा जी तो अन्न खाते ही नहीं और उनकी श्रीमती जी साग सब्जी उनको जो फल दे देती हैं वही बड़ी बात। इसलिए मैं होटल में खाता था आपको कोई कमी नहीं बात करने और अंत में मोदी की बुराई पर आ गए। हम वही थोड़ा दूर बैठे थे क्या आज के हमने वही गाय वाले में उनको कस के जलील किया। पैसा 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 हमको रोज अपनी मौत दिखाई पड़ती है। हम क्यों अपने नस्ल को बदल दें ये हिंदुस्तान है, है? मेरा देश महान है हिंदुओं तो फिर एक स्वर तेरा एक होना चाहिए अगर तू हिंदू का औलाद है तो हमको मुसलमान से बैर नहीं है। कितने मुसलमान हमारे साथी हैं वो हमारी मदद करते हैं। पाकिस्तान से मुसलमानों का आता है वो क्या ना वो आता है अरे ये आता है मोबाइल ये देखिए कितने आराम से खा रहे और चाहिए कहाँ और कुछ बचाए हैं लाइए लाइए थोड़ा इनको दे दे हाथ लाइए ये बहुत छोटे से दे रहे हैं दे रहे हैं। मुसलमानों का फोन आता है खा लो अरे भाई डलो डलो मैं अरे भाई खा लो आप रखते रहिए वहाँ पर यहाँ बेंच पर रख दीजिए वहाँ रख दीजिए। एक फूटी कौड़ी एक गिलास पानी नार्को टेस्ट का जमाना है पता लगवा दे। ओ बाबा पैसा पा गया नहीं एक व्यंजड़ी भंगड़ी होंगे देखो कुल्लू के पट्टे पहले पता लगा कि एक बाप का है तो रख दिया के पहले पता लगा एक गिलास पानी अगर मैं मोदी के जानता हूँ योगी के जानता हूँ एक गिलास पानी। हाँ बीजेपी वालों से अभी हाल में दीनदयाल वाला वो एक प्रमाण पत्र मिला तमाम लोग सम्मानित हुए थे हमको भी मिल गया। तो हम लाखों करोड़ों का हम ठोकर मार सकते हैं मोदी के खिलाफ मैं एक आवाज़ नहीं सुन सकता। वो देश का भगवान जो स्वार्थी लोग हो ना वही मोदी के एंटी बोल रहे हैं। मोदी ने देश के लिए काम किया है मोदी ने ढांचा बदल दिया है मोदी के खिलाफ करते हैं कितने नेताओं ने अब क्या लें उन नेताओं का नाम है कल क्या थे आज क्या है अरबों खरबों की संपत्ति है उनके पास कहाँ से आ गई। हमें अरबपति खरबपति घर का होते हुए मैं एक भिखारी खड़ा हूँ आप तुम्हारे सामने और है सब ठोकर मारा बाबा का मतलब है ठोकर मारा। संपत्ति बाबाओं को नहीं रखनी चाहिए बाबाओं को दौलत नहीं रखनी चाहिए। थोड़े से पैसे आए फिर भी मैंने चल भैया हमारा करंट अकाउंट नहीं है आप लोग थोड़ा भेजो जितना इनकम टैक्स जो दिल्ली वाले साहब आए हैं क्यों साहब आइए एक सेकंड के लिए। इन्होंने कहा कि बाबा जी कितना कि इतने पैसे के ऊपर तो टैक्स ही नहीं है कितना टैक्स नहीं है ये जो करंट अकाउंट हो या पर्सनल अकाउंट में भी हम पेमेंट लेते हैं तो एक लिमिट तक कोई टैक्स नहीं है कोई टैक्स नहीं है। और जो बाबा जी को मतलब लोग जो भी बता रहे हैं कि नहीं ये सब गलत इन्फॉर्मेशन गलत ऐसा कुछ नहीं टैक्स है भी तो टैक्स दिया जाएगा टैक्स नहीं टैक्स देखिए ऐसा है लिमिट के बाहर अगर पैसा लिमिट में
अच्छा एक मिनट, 5 लाख 6 लाख इतना तो आदमी अपने पर्सनल अकाउंट में रखता ही आजकल। अच्छा एक मिनट, एक हमारी उसमें बताया, एक साहब ने उसमें हमारे टैबलेट में है कि बाबा जी जो भी पैसा आ रहा है ऑनलाइन आ रहा है, चाहे वो विदेश से हो या देश से हो, आप सबके 20% आप गवर्नमेंट के खाते में जमा कर देंगे तो आप बिल्कुल, आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। और क्या करने का, ये तो बड़ा अच्छा सुझाव है। वही तो किसी ने सुझाव दिया है, अब रात में टैबलेट इनको हम जो काम हो लीगल हो, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, अब ये देखिए कितने कितने छोटे से बालाजी, अब बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, वो आपको पहचान नहीं रहा, रख दो रख दो रख दो। खैर वो देखिए बच्चा आपको बड़े गौर से देख रहा है, वो देखिए ये कैप्टन है इसका, हैं उसके सामने कुत्ता रख दीजिए, आपसे भूले नहीं सामने या बगल में दूर से रखिएगा, वो आपसे नहीं बोलेगा। देखा बोला नहीं बोला, ठीक सुनिए थोड़ा और वहाँ रख दीजिए, और वहाँ वहाँ जहाँ बंदर है वहाँ भी रख दीजिए। तो ऐसे नहीं मैंने यूट्यूब पर वर्ड को चैलेंज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्यों नहीं एग्जाम साधियों का मुकाबला करते हो आओ। ह्यूमनिटी में पूरे वर्ल्ड में किसी जात किसी मजहब किसी धर्म का एक आदमी आवे और मुझे ह्यूमनिटी का पाठ पढ़ा दे, मुझे हमें इंसानियत का सबक सिखा दे, आवे आओ सामने। अब वो आदमी मोदी को भगवान मानता, हम मोदी के ऊपर एहसान थोड़े कर रहे हैं। लोगों ने कहा भाई शबरी को भगवान राम मिल गए, क्या क्या बाबा जी आपको मोदी मिलेंगे? हम कहा मोदी तो नहीं मिलेगा, अगर तो उसके चरण की धूल तो मैं मंगवा दूँगा। कौन आपसे ये सब बातें करता है? अरे सब आता है भैया, इसने बाहर से सब मरा करता है, सर गंजेड़ी भंगेड़ी है, उनका बाप का पता नहीं है कि उनके बाप कहे हैं क्यों हैं, ऐसे ही लोग तो बोलेंगे ऐसा सब। मेरे काम को देखो, अस्पताल में गाय भर्ती है, यहाँ को रोज़ सुबह शाम की ड्यूटी, दिन भर फोन आता है। आज मैं फिर कह रहा हूँ भाइयों दुनिया वालों, आज से आप मैसेज भेजोगे क्यों, मेरा असिस्टेंट बीमार हुआ और राजस्थान से आया बेचारा चला गया, जय दिन रहा हमारी सेवा किया, तो असिस्टेंट अब मैं लेबर रखूँगा, अब कोई ज़रूरी को दिन भर वो हमारा फ़ोन अटेंड करे, आप लोग मैसेज भेजें, आपको दिल हो तो पैसा भेजो, बाकी श्याम साधु अगर आपको तकलीफ है आप चाहते हैं कि मैं मोदी के एंट्री बोलूँ, हाँ दिखाओ मुझे दिखाओ कैमरा, जैसे कि धूल ला रहे भैया वो तो काहे बिजली का तार तोड़ रहे यार, है बदमाशी करो भाई, बाबा वीडियो लंबी हो रही। अच्छा बस ठीक, तो मैं अभी बंद कर रहा हूँ और इसको मैं नीचे सजा दूँ, क्योंकि अगर ये बंदा तोड़ेगा तो चुपने जो है ये होगा, ठीक। और रात्रि के समय है, लाइट सामने जल रही है, चलिए आदमी की कदर करो इंसानों, अगर तू इंसान है तो तभी तो तुम हमारी कदर करेगा, तेरे में इंसानियत नहीं है तो बोले जा रहा है कुछ, बोले बाबा ज़्यादा बोलता है, इसलिए बाबा बोलता है कि बाबा के पास बोलने के लिए एक ट्रक शब्द है, बाबा ने काम किया और बाबा चैलेंज करता है। अहंकार हमका सा चल, अहंकार ही सही दम तो है, कोई पहलवान अखाड़े में अगर ताल ठोंकता है तो क्या अहंकार बोलेगा उसको? तब एक अमेरिका की लेडी है बेचारी, क्या नाम अरे वो उमा कोयम्बटूर के रहने वाली, वो हिंदी ठीक से बेचारी बोलने नहीं जानती, एक एक घंटे बेचारी बात करती है, उसने कहा बाबा हम आपके ऊपर वेबसाइट वगैरह बनेगा, मतलब वो पूरा काम कर रही है हमारे लिए। ऐसे भी लोग पड़े हैं, कोयम्बटूर वाले हमको पहचान गए, दिल्ली से हमारे अभिलेख श्रीवास्तव जी आ गए दिल्ली से, कहाँ थके मांदे बेचारे, रात में आज इनकी नींद पूरी होगी, यहाँ भाग के आए बाबा, और यहाँ जा इनके वजह से हमको, हम राम सिंह के यहाँ भी जाएंगे, हम वहाँ भौरे से भी इनको लेके जाएंगे, आपको हम खबर कर देंगे। अब आपसे एक बहुत गहरी शिकायत क्या है सिंह साहब, कि उस दिन मैंने आपसे कहा कि आप हमारे साथ रहिए, मैं सामान लेके मैं आपके साथ चलता हूँ मेरे घर में, एक मिनट मैंने पीछे मुड़ के देखा आप गए, अरे आए थे आपके पीछे पीछे तक, अच्छा रुक जाओ, फिर मैंने सामान लिया, हम TVS एजेंसी में तक गए, फिर उसके बाद आप हमको नहीं दिखे तो हम वापस आ गए। या मैंने कहा ना मैं आप साथ रहो यार, कौन सा दिल्ली बम्बई, नहीं आप उधर बाईपास से निकल गए और हम इस बाईपास से आ गए। अच्छा मैं आया, वो डर जाते हैं बाबा, वीडियो बंद करूँ क्यों बाबा, वीडियो बंद करें,
तो एक मिनट, मैं वही कह रहा था आपकी शिकायत हो रही है उसको बंद न करें। नहीं तो हम बाईपास से गए उधर, अब हमको नहीं दिखे। अब हम आपके मोहल्ले में गए, मोहल्ले में हम गए भूल। अरे कहाँ तक आप आनंद से पूछना, एक आधे घंटे हम लोग परेशान थे। दो दो ब्राह्मण आपके घर में पानी पीने से वंचित हो गए, ये बहुत बड़ा पाप आपके हो गया। हम सोचिए, नो नो नो, आपको मोबाइल कर देना था ना, हम आपको ढूंढ रहे थे। और सुनो, वहाँ कहाँ कहाँ कौन दुकानों में मैंने पूछा है, मैं ये भी बता दूंगा। भूवेंद्र कोई जानता ही नहीं मेरा नाम वहाँ। अरे हमने आपकी हमने हुलिया बताई है, फिर भी नहीं कोई बता। हम सोचे आप चले गए होंगे फिर। उसके बाद आपने उसके बाद से आज तक फोन भी नहीं किया, अगर फोन किए होते तो मैं आ जाता। ए भैया, हम जानते हैं इसको, इसको भैया थोड़ा इसको ऊँचे से बंधवाइए। टीवीएस तक गए थे, हम सोचे यहीं से ले ले पानी बिस्लेरी वाला और कुछ खाने के लिए आपको जो पिला दें। फिर पता टीवीएस में हमने देखा तो वक्त सब ये बात बताओ, मोबाइल का जमाना आपके मोहल्ले में जो ब्राह्मण बाबा घूम रहे हो, हमारा मोबाइल जमा है ना बाबा, आज भी नहीं मिला, आज भी गए थे। मैंने कहा मेरे साथ रहो, आप गायब हो गए। कोई दिल्ली बम्बई छोड़े रहा, वो बहुत तेज गाड़ी निकाल ले गया। हम पीछे जो देखे तो मोबाइल कर लेते हैं ना। मोबाइल नहीं था बाबा मेरे पास उस समय। अरे बाबा घर जाके मोबाइल करते, घर जाकर के तो नहीं किया, ये तो गलती। हाँ तो आपने फिर क्यों नहीं किया? वहाँ तो नहीं किया। उसको उस आदमी को बड़ा बुरा लगा। अच्छा, हाँ अंदर से बड़ा खराब लगा, कहीं बाबा जी कैसे लोग हैं या यहाँ के। हमने कहा भैया अब क्या बताऊँ, बाबाजी को मैं विराम देता हूँ। चलिए आप लोग हमको मैसेज भेजेंगे, कान खोल के सुन लीजिए, अगर मोबाइल आएगा तो मैं नहीं उठाऊंगा। आप कोई भी हो, हमको कोई ना मदद की जरूरत है ना आपको साथ, हम क्या करेंगे जब तक आप देखिए दिल्ली से आदमी आ गए बंदर भोज करने के लिए। तो बल्कि हम लौट करके आए थे वहाँ वर्कशॉप तक, हम लौट करके हम सोचे पता नहीं कहाँ, और हम बाईपास के उधर से निकल गए और वो बाइक लेकर इधर से निकले। मोबाइल आप मोबाइल हमारा जमा है। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ। जय श्री राम, आपकी शिकायत इसमें ज़्यादा दर्ज हो जाएगी। जय श्री राम, आप छत्री हैं, हजारों रुपया आपने खर्च किया है और हमारा हाथ हमेशा छत्रियों पर यों रहा हुआ है, क्यों छत्री और यदुवंशियों से ही हम लोगों का कल्याण हुआ है। जय श्री राम, जय योगी, जय मोदी।